बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी की भी बात हो तो हर बार एक बात सामने आती है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य आगे आने वाली फिल्म में अपने परिवार के किसी ना किसी को लेकर ही आएगा। आप देख रहे हैं चैनल शान पंजाबी, मैं हूं एमी। बॉलीवुड पॉलीवुड की चटपटी खबरों में एक अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। पल पल दिल के पास फिल्म से देओल परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य करण देओल बॉलीवुड पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। करण के डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया में काफी हलचल मची हुई है। करण उन स्टार किड्स में शामिल हैं जिन्हें लॉन्च करने का जिम्मा खुद उनके पिताओं ने उठाया। पल पल दिल के पास को सनी देओल ने खुद ही डायरेक्ट किया है। सनी देओल की ये तीसरी एज अ डायरेक्टर फिल्म है। पिछले सालों में हमने देखा कि रणबीर कपूर, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ, सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी जैसे स्टार किड्स को उनके पिताओं ने लॉन्च नहीं किया, जबकि ये सभी पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी RX100 के रीमेक से डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में करने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। मगर अहान की लॉन्चिंग का जिम्मा साजिद नाडेवाल और मिलन लुथुरिया ने उठाया है। उससे पहले सलमान खान, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर की बॉलीवुड एंट्री फैमिली के बाहर से ही हुई है। हिंदी सिनेमा में ऐसे स्टार किड्स बहुत कम हैं जिन्हें उनके पिताओं ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है। अगर बात की जाए इनमें तो सबसे पहले अगर हम नाम लें ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को उनके पिता राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है फिल्म से लॉन्च किया था। इस फिल्म को राकेश रोशन ने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। ऋषि कपूर। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता था। कई क्लासिक फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया और निर्देशन भी किया। जब बेटे ऋषि कपूर को सिनेमा में लॉन्च करने की बारी आई तो राज कपूर ने बॉबी फिल्म से उन्हें लॉन्च किया, जिसका निर्माण और निर्देशन उन्होंने खुद ही किया था। इसके बाद राजीव कपूर। राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर को उन्होंने राम तेरी गंगा मैली से लॉन्च किया था। ये फिल्म भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक में गिनी जाती है। संजय दत्त। संजय दत्त ने अपने करियर में बतौर एक्टर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए उनके पिता खुद ही निर्देशन में उतरे थे। सुनील दत्त ने संजय दत्त को रॉकी फिल्म से लॉन्च किया था। फरदीन खान। फिरोज खान हिंदी सिनेमा के एक ऐसे फिल्मकारों में शामिल हैं जिन्होंने सिनेमा को घिसे पिटे ढांचे से निकालकर स्टाइलिस्ट बनाया था। धर्मात्मा, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्मों में फिरोज के शानदार निर्देशन की वानगी लोग आज भी करते हैं। बेटे फरदीन को ब्रेक देने के लिए फिरोज खान ने प्रेम अगन बनाई। इनके अलावा सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, आमिर खान ऐसे स्टार किड्स हैं जिन्होंने डेब्यू फिल्मों का निर्देशन किसी और ने किया मगर निर्माता उनके पिता ही रहे। मैं आऊंगा फिर से लेकर कोई नया अपडेट, तब तक आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी। जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण, ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ। तुसीं देख रहे हो चैनल शान पंजाबी, माण पंजाब दा।